तो भाइयों आज हमारे पास टोयोटा टेजर एंड ये इस कार का टॉप मॉडल रहने वाला है। यहाँ पर आपको सभी टाइप के एडवांस एंड बेसिक फीचर्स तो मिलते ही हैं। ये टोयोटा की तरफ से एक ऐसी गाड़ी है जो कि सीधा कंपटीशन करेगी टाटा पंच को लेके ब्रेजा तक के सेगमेंट को, दोनों ही सेगमेंट को नहीं छोड़ेगी ये। एंड ये है इस कार का वी मॉडल जो कि टर्बो पेट्रोल ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। तो मेनली आज की इस वीडियो में इसी कार के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कार के प्राइस के बारे में बात करेंगे, कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, कार के इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सभी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर आप भी कोई टोयोटा की कार खरीदना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, टोयोटा ट्रस्ट हरिद्वार में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आपको शो हो रहा है वहां पर आप कॉन्टेक्ट करके इस कार को या टोयोटा की किसी भी कार को बुक कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ इस कार के प्राइस के बारे में। तो इस कार के स्टार्टिंग एक्सशोरूम प्राइस रखे गए हैं 7.7 लाख रुपीस एक्सशोरूम प्राइस, जिसमें कि आपको इसका बेस मॉडल आपको मिल जाएगा जिसके अंदर बलिनो वाला इंजन लगा दिया गया है। बट अगर आप इसका अपर मॉडल लेते हैं यानी कि टॉप मॉडल या फिर वी मॉडल लेते हैं उसके अंदर आपको मिल जाता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जिसके बारे में अभी बताऊंगा। बट उसके जो प्राइस रखे गए हैं इसका टॉप मॉडल आपको 11.47 लाख रुपीस एक्सशोरूम प्राइस पर मिल जाएगा। गाइस अभी मेनली बात कर लेते हैं इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस कार के अंदर मिलता है 1 लीटर का के सीरीज वाला 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 99 bhp की एंड 147 nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये कार फ्रंट व्हील ड्राइव रहने वाली है एंड ऑटोमेटिक एंड मैनुअल 5-स्पीड गियरबॉक्स के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको CNG ऑप्शंस भी अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड यानी कि बलिनो वाला ही सेम इंजन मिल जाता है। तो फिर आप कोई भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो इंजन आपको चाहिए आप वो स्पेसिफिकेशंस के साथ वाला इंजन आप ले सकते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए आप टर्बो पेट्रोल इंजन ले सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली गाड़ी चलानी है सिटी राइड के लिए या फिर अच्छे माइलेज के लिए तो फिर आप नॉर्मली बलिनो वाले इंजन के साथ वाला मॉडल ही ले सकते हैं जो कि आपको एकदम वैल्यू फॉर मनी वेरियंट रहने वाला है। बाकी ये कार डायमेंशन वाइज भी ठीक ठाक ही रहने वाली है, सेगमेंट के अकॉर्डिंग तो काफी छोटी लगती है। बट इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो वो 190 mm की रखी गई है एंड व्हील बेस इसके अंदर मिल जाता है 2520 mm का इसका व्हील बेस मिल जाता है जिसकी वजह से अंदर की साइड अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। एंड इंडियन रोड्स के हिसाब से भी एकदम बढ़िया रहने वाली है, एकदम परफेक्ट कार आप इसे कह सकते हैं। बाकी जब मेनली बात कर लेते हैं इस कार के एक्सटीरियर लुक के बारे में, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस कार के फ्रंट लुक से। तो फ्रंट की साइड में यहाँ पर आपको सबसे पहले LED DRLs मिल जाते हैं जो कि इंडिकेटर्स का भी काम यही करते हैं। एंड यहाँ पर आपको नीचे की साइड रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि आपको LED के अंदर रहने वाले हैं, काफी स्ट्रॉन्ग है हेडलैम्प। ब्लैक और इसकी फ्रंट ग्रिल रहने वाली है हनीकॉम स्टाइल के साथ ही। क्रैम्प कैमरा यहां पर आपको मिल जाता है फ्रंट साइड में लोगों के नीचे टोयोटा के। एंड यहां पर आपको क्रोम गार्निशिंग मिल जाती है, हल्की सी बोनट का स्टाइलिंग आप देख सकते हैं। सिंपल वाले यहां पर वाइपर मिल जाते हैं, वॉशर वाइपर यहां पर आपको सिंपल वाले मिलते हैं, कोई रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह नहीं है। ओवरऑल फ्रंट लुक इस कार के कुछ तरीके का आने वाले हैं। अभी बात करते हैं कार के साइड लुक के बारे में। तो साइड की तरफ में आते हैं, सबसे पहले इसके अलॉय व्हील्स का डिजाइन आप देख सकते हैं। R16 inches के इनका टायर रहने वाला है एंड प्रोफाइल आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाती है मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ ही। एंड ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विद ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ, विद कैमरा की फंक्शनिंग के साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है। साइड कैमरा भी मिल जाता है यानी कि 360 डिग्री कैमरा है इस गाड़ी के अंदर। बाकी डोर हैंडल बॉडी कलर में है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ ही। डोर्स पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विद ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ। इसके ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहीं पर ही। ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स एंड डैशबोर्ड लेआउट आप देख सकते हैं डुअल टोन की फिनिशिंग के साथ। बाकी डिटेल में भी इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले इसका एक्सटीरियर देख लेंगे। तो पिलर्स वगैरह आपको ब्लैक आउट मिलते हैं, क्वार्टर पैनल काफी बढ़िया सा दिया गया है, स्टाइलिश से इसके रियर लुक रहने वाले हैं। एंड ऊपर की साइड आपको रूफ रेल मिल जाती है, सनरूफ वगैरह इस मॉडल के अंदर या किसी भी मॉडल के अंदर नहीं आती है। एंड अभी बात करते हैं रियर लुक के बारे में। तो पीछे की साइड में आती है, सबसे पहले आपको कनेक्टिव टेल लैंप मिल जाती है। बाकी अर्बन क्रूजर टेजर की बैजिंग मिल जाती है, ब्रेकिंग लाइट का सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है, कनेक्टिव टेल लैंप आपको इस मॉडल के अंदर मिल जाती है। ऑफकोर्स लोअर मॉडल में नहीं मिलते, वी न्यू ड्राइव वाला मॉडल आप देख रहे हैं तो उसकी बैजिंग मिल जाती है यहाँ पर। बाकी पीछे की साइड आप देख सकते हैं काफी कूपेश डिजाइन है यहाँ पर आपका, एंड वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर सभी कुछ मिल जाता है। बाकी ओवरऑल कार रेयर लुक से कुछ इस तरीके की लगने वाली है, काफी ज्यादा स्टाइलिश का रेयर लुक रहने वाला है। बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं अभी। तो बूट स्पेस यहाँ पर आपको मैग्नेटिक टेल के बटन के थ्रू ही पूरा ओपन हो जाता है। एंड अंदर की साइड जो स्पेस है वो 308 लीटर का बूट स्पेस है नंबर्स के अकॉर्डिंग। बाकी लैंप वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाता है यहाँ पर, ऑटोमेटिक लैंप है ये, अपने आप ऑन हो जाता है। 2 kg के हुक्स वगैरह मिल जाते हैं, स्पेयर व्हील की प्लेसिंग आपको नीचे की साइड मिल जाती है स्पेस सेवर में, स्टील रिम मिलता है एंड टूल किट वगैरह प्रॉपर मिल जाती है, पार्सल ट्रे मिल जाती है। एंड 3 से 4 बैग यहाँ पर बड़े बड़े आराम से आ जाते हैं, छोटे मोटे तो 5-5 बैग भी आ जाते हैं। एंड अब इसको बंद कर देते हैं। बाकी ओवरऑल एक्सटीरियर से देखने में कार कुछ तरीके की लगने वाली है जो कि काफी ज्यादा स्टाइलिश है। अभी चलते हैं कार के इंटीरियर की साइड। गेट पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है। ऑफकोर्स मैगजीन होल्डर, बॉटल होल्डर, स्पीकर, ट्विटर्स मिल जाते हैं, 6 स्पीकर रहने वाले हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल विद ऑटो फोल्डिंग के फंक्शन के साथ यहाँ पर ORVM मिल जाते हैं। एंड
यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक में फ्रंट साइड मिरर मिल जाता है और ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर लॉक अनलॉक के फीचर मिल जाते हैं, क्रोम डोर हैंडल हो गए एंड यहाँ पर चाबी कुछ तरीके की रहने वाली है, टिपिकल सुजुकी वाली, यहाँ पर टोयोटा का लोगो लगा दिया है बस। एंड अभी इसको ऑन कर लेते हैं। अब इंटीरियर की साइड आते हैं, यहाँ पर आपको इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है एंड यहाँ पर ये हेडसअप डिस्प्ले कंट्रोल करने का बटन मिल जाता है एंड ब्राइटनेस वगैरह को आप बढ़ा सकते हैं एंड यहाँ पर हेडसअप डिस्प्ले का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी हेडसअप डिस्प्ले ऑन कर सकते हैं, यहाँ से कुछ स्क्रीन सी उठ के आती है एंड यहाँ पर आपका व्यू का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपका 360 डिग्री कैमरा जो है वो ओपन हो जाता है, कुछ इस तरीके का व्यू आने वाला है इसका। एंड यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है एंड हेडलैम्प लेवलर मिल जाते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल रहने वाला है इस साइड। एंड स्टीयरिंग व्हील इसका बिल्कुल राउंड शेप में रहने वाला है, काइंड ऑफ डी शेप में है, पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है, कॉल कटन रिसीव के बटन मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला मॉडल देख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल कम्प्लीटली ऑटोमेटिक कार आप इसे कह सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर बीच की साइड जामाइटी देख रहे हैं, यहाँ पर आपको इनफ इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है, यहाँ से आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन वगैरह, माइलेज की इन्फॉर्मेशन, डिजिटल टाइम, पावर टॉर्क वगैरह, सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको यहीं पर ही शो हो जाती है। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है टैकोमीटर, इंजन टेम्परेचर गेज, फ्यूल गेज, ये सभी कुछ आपको एनालॉग के अंदर मिलता है, सभी टाइप की वार्निंग्स वगैरह भी आपको यहीं पर ही शो हो जाती हैं। ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट इसका कुछ तरीके का रहने वाला है एंड टोयोटा का लोगो मिल जाता है, ये खास बात है क्योंकि यहाँ पर सुजुकी की जगह टोयोटा का लोगो मिल जाता है, वो एक प्लस पॉइंट है। एंड यहाँ पर आपको ये डुअल टोन ट्रिपल टोन में आपको डैशबोर्ड लेआउट मिल जाता है, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, वाटर डिमिनिशिंग मोड वाला इसका IRVM रहने वाला है जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से एकदम बढ़िया है। एंड यहाँ पर ये लैंप मिल जाते हैं हेलोजन के अंदर, माइक की प्लेसिंग यहाँ पर है। फ्रंट सीट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिरर मिल जाता है विद लैंप एंड यहाँ पर भी आपको मिरर विद लैंप मिल जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है, ऊपर की साइड कोई सनरूफ वगैरह नहीं है, पीछे की साइड ही लैंप मिल जाता है हेलोजन के अंदर ही। एंड यहाँ पर ये हैंडल हो गए, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है, बकेट काइंड ऑफ सीट रहने वाली है ऑफकोर्स एंड यहाँ पर आपको कोई भी लेदर सीट अपॉस्ट्रोफी के ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलते हैं। एंड इधर की साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है जो कि आप लगा कर देखते हैं, अपना फ़ोन चार्ज करके देखते हैं कि होता है या नहीं, यहाँ पर जब लगाएंगे तो कुछ तरीके का आएगा एंड ये फास्ट चार्जिंग में चार्ज करने लगा एंड कुछ तरीके का है। एंड बाकी ये USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, पावर सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, स्क्रीन स्पेशली दी गई है, यहाँ से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। बाकी ट्विन कप होल्डर्स हो गए, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, बिल्कुल टॉप मॉडल देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक के साथ भी अवेलेबल है। एंड यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट रहने वाली है एंड यहाँ पर आपको छोटा सा स्पेस भी मिल जाता है, स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर ग्लव बॉक्स में भी छोटा सा स्पेस है जो कि कूल्ड में नहीं है एंड यहाँ पर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ ही जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड कुछ तरीके का इसका लेआउट रहने वाला है। कम्फर्ट की बात करूँ तो कम्फर्ट भी काफ़ी अच्छा खासा ही मिल जाता है यहाँ पर, यहाँ पर आपको हेडरूम अच्छा खासा मिल जाता है मेरे हाइट के हिसाब से। अब यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट के साथ ही सीट्स रहने वाली हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको हेडरूम अच्छा खासा मिल जाता है एंड अंडर थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है एंड अगर आप लॉन्ग राइड पर भी चलाते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलते हैं रेयर साइड के कम्फर्ट के तरफ एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है सॉफ्ट टच मटेरियल अगेन, यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, स्पीकर्स मिल जाते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट के साथ ही ऑप्शन के साथ सीट मिल जाता है, फोल्ड करके अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट स्पेशली फॉर बीच वाले पैसेंजर के लिए भी दी गई है, यहाँ पर आपको लेग रूम अच्छा खासा मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी खासी है सीट की एंड पीछे की साइड में यहाँ पर आपको रेयर एसी वेंट मिल जाते हैं, चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं एंड छोटा सा स्पेस है अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, बाकी हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं, लैंप मिल जाता है, पीछे की साइड कंफर्ट भी अच्छा खासा रहने वाला है, हेडरूम की भी कोई कमी यहाँ पर महसूस नहीं होगी, डैशबोर्ड लेआउट कुछ तरीके का दिखता है पीछे की साइड से। तो भाई ये था टेजर के बारे में एक ओवरव्यू, अभी आपको पता चल गया होगा कि भाई ये कार कैसी है एंड इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं एंड अगर आप भी कोई कार देख रहे हैं 12-13 लाख के बजट में तो ये कार आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। आप ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों ही ऑप्शन ले सकते हैं, ऑटोमेटिक वाला ऑफकोर्स थोड़ा सा महंगा पड़ता है, मैनुअल वाला आपको थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको सभी टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, 360 कैमरा जैसे फीचर्स एंड बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, 6 एयरबैग जैसे सभी फीचर्स मिल जाते हैं, तो सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है। बाकी अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट इस कार का नहीं हुआ है, बाकी हम कह सकते हैं कि ये कार काफ़ी हद तक सेफ ही रहने वाली है क्योंकि ये सिंगल फ्रेम पर बनी हुई है जिसे हम मोनोकॉक चैसी भी कह सकते हैं और ये काफ़ी हद तक सेफ ही रहने वाली है क्योंकि बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भी इस गाड़ी के ऊपर, इस पर्टिकुलर गाड़ी के ऊपर जो है काम किया है टोयोटा कंपनी ने, वो दिखता है या नहीं दिखता है वो अभी तक फीडबैक में इतना आया नहीं है क्योंकि अभी तक क्रैश टेस्ट इस कार का नहीं हुआ है ग्लोबल एनकैप में।
एंड बाकी सेफ्टी वाइज देखा जाए, फीचर वाइज देखा जाए, तो ये काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है। सेफ्टी फीचर्स भी आपको भर भर के मिल जाते हैं। बाकी गाइज अभी ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको ये टेजर कार कैसी लगती है। एंड गाइज अगर आप इस कार को लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपका कोई फ्रेंड इस कार को लेने के बारे में सोच रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड गाइज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं लाते रहता हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।